नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल जिला के गांव जाननपुर में एक नन्हे खिलाड़ी की अनोखी प्रतिभा। दीवार पर काफी लंबी दूरी तक पैरों के साथ खेल सकता है फुटबॉल। 12 साल के बच्चे की दीवार पर फुटबॉल की जबरदस्त पकड़। भविष्य में दुनिया भर के फुटबॉल खिलाड़ियों को मात देने का चैलेंज। फटे जूतों के साथ भी अद्भुत प्रतिभा का धनी। जंगल बुक टीवी सीरियल के मोगली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता है यह नन्हा खिलाड़ी। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, जिनमें कुछ कर दिखाने की ललक होती है वो तूफान के आगे भी अपना लोहा मनवा लेते हैं। लगन और मेहनत से किया हर काम किसी आम इंसान को विशेष बना देता है। जी हाँ, फेसबुक पर दीवार पर फुटबॉल खेलते एक बच्चे का वीडियो लगातार लोग देख रहे हैं और ये वीडियो पूरी तरह तूफान की तरह से वायरल भी हो रहा है। आइए हम बताते हैं कि कौन सा है वो बच्चा और ये दीवार पर फुटबॉल के साथ उछल कूद कर रहा है आखिर कैसे। जी हाँ, ये गांव जाजनपुर का बलकार है जो महज 12 साल का है और अगर इसका खेल देखेंगे तो अब बड़े बड़े दंग रह जाते हैं। फुटबॉल के लिए जुनून इतना कि घर के हर कोने में फुटबॉल रखी हुई है। आपको बता दें कि बलकार गांव के जाजनपुर में बेहद गरीब परिवार से संबंध रखता है। घर में माता पिता और एक बड़ा भाई है। एक तंग सी गली में बलकार का साधारण सा घर है, लेकिन प्रतिभा कुछ भी नहीं देखती। वह साधारण नहीं होती, लेकिन इसी तंग गली से साइकिल पर प्रैक्टिस करने के लिए जाना बलकार का हर रोज का काम है। गांव की व्यायामशाला में हर रोज फटे जूतों के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। खेल में इतना माहिर है कि छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल पर गजब का कंट्रोल और अद्भुत प्रतिभा है। बलकार ने कहा कि वह 12 साल का है और पिछले 3 साल से फुटबॉल खेल रहा है, यानी जब वो 9 साल का था तो उसने फुटबॉल शुरू कर दी थी। उसने कहा कि जैसे ही उसने 3 साल पहले फुटबॉल खेलना शुरू किया था, वैसे वैसे ही उसकी फुटबॉल के खेल में रुचि बढ़ने लगी। एक दिन कोच ने उन्हें दीवार पर ऐसे खेलते हुए चैलेंज दिया तो उसने बेहतर अभ्यास करके इस चैलेंज को पूरा भी किया। अब ये इसके लिए आम बात बन चुका है। बलकार ने बताया कि लगभग 3 एकड़ की ये व्यायामशाला, उसकी चारों तरफ की दीवारें, लगातार वह उन पर खेलता रहता है और लगातार बिना नीचे उतरे लगातार खेल भी सकता है। बलकार का सपना है कि वो विश्व के बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों को बेहतर बनाएगा और उनसे भी बेहतर करेगा। अपने देश का नाम रोशन करने के लिए वह कुछ भी करेगा। बलकार ने कहा कि ब्राज़ील और विश्व विख्यात खिलाड़ी पेले और पुर्तगाल के रोनाल्डो की तरह विश्व का महान खिलाड़ी बनना चाहता है। कोच सुमित व उनकी माँ ने बताया कि बचपन से ही कुछ लोग करने का हुनर इसमें है। किसी भी काम को अलग अंदाज से करना इसकी आदत है। कोच ने बताया कि गांव में कुछ ऐसे बच्चे थे जो आवारा फिरते थे और गरीब परिवारों से हैं। मैंने उन्हें ऐसा करने की सोची कि उन्हें कामयाब बनाया जाए, क्यों न उन्हें फुटबॉल देख करके इसकी शुरुआत की जाए। धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ने लगी और उनमें से ही एक है जो बलकार निखर कर सामने आया। इस नन्हे खिलाड़ी बलकार में एक करिश्मा करने वाला बच्चा है। इसमें ना शुरू से ही कोई डर है ना खौफ है। ये तपाक से दीवारों पर चढ़ जाता है, पेड़ों पर चढ़ जाता है और ऊपर से छलांग भी लगा देता है। ये अद्भुत बच्चा जिसमें एक महान खिलाड़ी के सारे गुण हैं। बलकार के कोच सुमित ने बताया कि उनको हमेशा इस बात का मलाल है कि सिस्टम की वजह से बलकार के सिलेक्शन होने के बावजूद वो खेल ना सका, क्योंकि सिफारिश के कारण इस बच्चे की जगह किसी और बच्चे को मिल गई। कोच ने गुजारिश की है कि इस लड़के के अंदर गजब का हुनर है, अगर सरकार इसकी मदद करे और प्रोत्साहन दे तो वह देश में अच्छे खिलाड़ियों की तरह अच्छा बच्चा साबित हो सकता है। इसी के साथ आप देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम बलकार है और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं अब 12 साल का हूँ। 9 साल के मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो फुटबॉल खेलना मुझे बहुत अच्छा लगा। फुटबॉल में मेरी थोड़ी थोड़ी रुचि, जब मेरे गुरु ने मुझे यह बताया कि यदि आप फुटबॉल खेलोगे तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मान और सम्मान सब कुछ मिलेगा, तब से फुटबॉल में लगन हुआ। फुटबॉल में मेरी रुचि। एक दिन मेरे गुरु ने मुझे चैलेंज दिया कि यदि आप दीवार पर चल सकते हो तो आपको इनाम मिलेगा। उस दिन के बाद मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की और ऐसा बैलेंस और ऐसे
वीडियो कर पाया, बहुत देर तक रख सकता हूँ जितने हम चलाओगे, कान पे भी यहाँ पर भी नीचे भी। लियोनेल मेसी को देखकर मैंने सपना है कि मैं भी लियोनेल मेसी जैसा बनने का सपना रखूंगा, और जैसे पेले ने ब्राजील के लिए किया और मेसी ने बार्सिलोना क्लब के लिए किया, वैसा ही मैं हिंदुस्तान के लिए करना चाहता हूँ। लियोनेल मेसी जैसा बनकर ही मैं अपना सपना पूरा करूँगा। लियोनेल मेसी जैसा बनने का मैं सपना रखता हूँ, और मैं अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जब मेरे गुरुजी मुझे चंडीगढ़ ले गए तो मैंने पूछा कि लियोनेल मेसी इंडिया से लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर इंडिया से क्यों नहीं निकलते, तो उनसे यही जवाब आया कोई नौकरी की तरफ दौड़ते हैं और कहते हैं कि इंडिया में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक लियोनेल मेसी जैसा नहीं बन सकता। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस, सुबह 3 घंटे और शाम को भी 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे गुरुजी बताते हैं, और हमें हम दिल लगाकर उसकी प्रैक्टिस को शुरू कर देते हैं, और आज इस वीडियो में मैं सफल हो पाया हूँ जैसे कि आपने मुझे देखा है। तो क्या आप, हाँ, मैं इन सब चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, और जैसा कि मेरे गुरुजी मुझे बताएंगे वैसा ही मैं चलता रहूँगा। मैं लियोनेल मेसी जैसा बनने का सपना रखूँगा। अगर मैं लियोनेल मेसी जैसा नहीं बन सका तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। माय नेम इज सुमित श्योकंत, और ये जो बलकार नाम का ये जो लड़का है, 3 साल पहले मुझे मिला ये, और ये जब मुझे मिला ये गांव में जैसे गलियों में इधर उधर घूमता हुआ, आवारागर्दी करता हुआ, लेकिन इसमें एक खास बात थी, और वो ये खास बात थी कि मैंने देखा ये कभी भी झट से पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है, ये बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, इसको चोट का कोई डर ही नहीं है। ये मैंने देखा तालाब में भैंसों के ऊपर चढ़ करके स्नान कर रहा है, इसको ये इसका इतना बेफिक्रा स्वभाव है कि इसको डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब मैंने इसको बुलाया, मैंने इसको समझाया कि आप अगर ये जो टैलेंट है अगर सही डायरेक्शन में अगर इसको ले करके जाते हो तो दुनिया जीत सकते हो आप, तो इसने पूछा कि ये क्या मतलब हुआ, क्योंकि इनको तो ये पता ही नहीं कि खेल में कामयाब हुआ जा सकता है, नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर खेल में ही अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब इनको इनकी बारीकियों के बारे में मैंने बताया तो इसका इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वीडियो इनको दिखाई, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी ये मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये चीज़ जो इसका हौसला था मुझे इतना प्रभावित कर गया कि मैंने ये ठान लिया कि इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है। तो जब इसको काफ़ी टाइम हो गया खेलते हुए तो मैंने एक रिस्क लिया कि दीवार के ऊपर इसको, ये जो जगलिंग सीख चुका है, इसको करवाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये था तो बड़ा रिस्की, ये बहुत रिस्की था, डेंजरस है, क्योंकि अगर गिर गए तो लिगामेंट टूट सकता है, फ्यूचर पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण जब जगह ही नहीं मिली यहाँ पर, ये जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें ये इतनी गंदगी फैली हुई है, जब इसमें जगह नहीं मिली तो मैंने ये ठान लिया कि इसको इतनी मेहनत करवाऊंगा कि हमारे ग्राउंड में ही टैलेंट को ढूंढते हुए लोग यहीं पर आएंगे हमारे पास। बाकी बच्चों में और अगर बलकार में मैं डिफ्रेंशिएट अगर करूं तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो ये है वो ये है कि इसका जो बेफिक्रा स्वभाव है उसके कारण इसको डर ही नहीं लगता, इसको ऐसा है ही नहीं कि मुझे चोट भी लग जाएगी, और यही जो स्वभाव है इसका चंचलता और बेफिक्रा स्वभाव, इसके कारण ये कुछ भी फुटबॉल में कर गुजर सकता है, जिसका प्रमाण आप देख चुके हो कि दीवार के ऊपर जो ये जगलिंग कर रहा है, इस एज ग्रुप में दुनिया में शायद ही किसी ने इस प्रकार का कारनामा किया हो, क्योंकि इस एज ग्रुप का कोई भी बच्चा फुटबॉल को लेकर के दीवार पर चलने में भी, डरने से तो दूर की बात है, बिना फुटबॉल के चलने में भी डरता है ये कोई भी बच्चा, लेकिन ये नहीं डरता। इसका कारण ये है कि इसकी चंचलता और बेफिक्रा स्वभाव, निडरता के कारण ये बड़ी आसानी से सब कुछ कर जाता है। इसका एक छोटी सी मैं आपको बताना चाहूँगा बात कि हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन की ट्रायल हुई थी कुछ समय पहले, और मैंने इसको भेज दिया वहाँ पर, तो वहाँ पर ये सेलेक्ट भी हो चुका था, और उन्होंने कहा कि जब हम बाहर जाएंगे तो आपको बुला लेंगे, लेकिन पता चला कि कुछ दिनों के बाद वो जा कर के इसको ले बगैर वापस भी आ चुके हैं, इसको लेके ही नहीं गए। मैंने जब पता किया कि सर ये क्या किया आपने, आप लेके नहीं गए इस बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से दबाव आ गया था
और इस कारण इस बच्चे की जगह दूसरा बच्चा लेकर के मुझे जाना पड़ गया। तो मैंने पूछा सर ये इस प्रकार से तो जो रियल टैलेंट है वो तो कभी सामने ही नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सुमित ये सिस्टम ही ऐसा है, आप अभी नए नए आए हो, जब आप इसमें और ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये दुनिया क्या है। वहाँ से मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो इस दलदल में धंसने की बजाय अपना हौसला तोड़ने की बजाय मैं ऐसा रास्ता अख्तियार करूं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं दूसरे रास्ते की तरफ चला गया। मेरा यही टारगेट था कि मैं ऐसे प्लेयर पैदा करूं अपने हिंदुस्तान के लिए जो वो काम करे जो बार्सिलोना क्लब के लिए मेसी ने किया और जो पेले ने ब्राज़ील के लिए किया, और उसी का प्रमाण ये बलकार है। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि सिर्फ बलकार ही नहीं, ऐसा नहीं है कि बलकार में अद्भुत टैलेंट है और वो हमारे पास अकेला ही बच्चा है, दूसरे बच्चे हैं वो भी बहुत बड़े टैलेंटेड हैं, उनका भी टैलेंट जब आप देखोगे तो हैरान रह जाएंगे कि इस प्रकार का टैलेंट इंडिया में पैदा कहाँ से और कैसे हो रहा है। इसके परिवार की मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड इसका इतना पुअर है, इतना पुअर है कि फुटबॉल खरीदने की तो बात बहुत दूर की है कि शूज तक इसको मुझे दिलवाने पड़ते हैं, क्योंकि और ये शूज जो चलते हैं मुश्किल से एक महीना चलते हैं, उसके बाद फिर नहीं दिलवाने पड़ते हैं। समस्या यहाँ पर है कि फुटबॉल और शूज तो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, लेकिन जब बात डाइट की आती है तो यहाँ पर मेरी लिमिट जवाब दे जाती है। इसलिए मुझे सरकार की सपोर्ट जरूर चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। अब ये वीडियो इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, ये लड़का इतना टैलेंट है इसके अंदर, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि माननीय जो हमारे खेल मंत्री हैं श्रीमान अनिल विज जी, वो इतने ईमानदार नेता हैं कि अगर उनको ये पता लग जाए कि इतना टैलेंट है यहाँ पर कैथल डिस्ट्रिक्ट के जाजनपुर गांव में, जबकि यहाँ पर दो खेल नर्सरी वैसे ही लोट हो चुकी हैं लेकिन जाजनपुर में अभी तक खेल नर्सरी नहीं आई। ये कारण है जो ये सिलेक्शन के जो प्रोसेस हैं अपने इलाके में, वो जो सिलेक्टर हैं वो लेकर के चले जाते हैं, टैलेंट को वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। मैं सबसे जो रिक्वेस्ट करूंगा जो ये बिजनेस घराने हैं, जैसे कि रिलायंस फाउंडेशन ने ISL का जो ये प्लेटफॉर्म चलाया हुआ है, वहाँ पर बच्चों को ग्रास रूट पर बड़ी फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पर अच्छे बच्चों के साथ कंपटीशन करने के लिए मौका मिलता है। तो मुकेश अंबानी जो नीता अंबानी है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस बच्चे में अगर आपको टैलेंट दिखाई देता है तो इसको सपोर्ट जरूर करें, अगर टैलेंट नहीं दिखाई देता तो हमें कम से कम इतना जरूर बताएं कि उसके लिए और क्या क्या करवाने की जरूरत है, हम जी जान से मेहनत करेंगे। मैं तब तक चैन से नहीं बैठने वाला जब तक ये बच्चा हिंदुस्तान के लिए वो काम ना कर दे जो पेले ने कभी ब्राज़ील के लिए किया था। जी, जो ये बलकार नाम का लड़का है, इसकी जो ये बातें हैं इसको देख कर हमारे गाँव और पूरे जो गवांड है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कैथल है, हर जगह से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और पहली बात तो ये है कि इसको जो भी हैं, जितने भी हैं मेरे गांव के जितने भी हैं, हर बंदा इसका सेहो कर रहा है, बड़े अच्छे टैलेंट है इस बच्चे के अंदर और बड़ा खुशी का माहौल है मेरे गांव में। तो हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि जो हमारा ये बच्चा है बहुत ऊपर जाए। और कहने का मेरा मतलब ये भी है सर, अगर ये जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट का, फिर आगे हरियाणा का और पूरा देश का नाम रोशन करेगा, क्योंकि जो टैलेंट इस बच्चे के अंदर है, मेरे ख्याल से मुझे तो पता नहीं कि ऐसा मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि जो दीवार के ऊपर चल के ऐसा टैलेंट किसी ने, पहली बार हम देख रहे हैं जी। और बड़ा खुशी का माहौल है मेरे गाँव में इस चीज़ का। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार भी हमारी जितनी हो सके इस बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से है और इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, जो उसकी स्थिति है परिवार की बड़ी नाजुक स्थिति है, क्योंकि बड़े गरीब घर से है ये। और दूसरी बात यह है कि जब जो कोशिश करते हैं कि पंचायत की तरफ से भी जितना इनका सहयोग होगा वो भी करेंगे, और अपने पर्सनल अपनी तरफ से भी इसका पूरा सहयोग करेंगे। और हम गुजारिश करते हैं कि जैसे कि हरियाणा सरकार है तो इस बच्चे का बड़ी अच्छे तरीके से मतलब जो सहायता करे, ताकि ये बच्चा पूरा अपना हरियाणा और देश का नाम ऊंचा करे। मेरा जवाहरमल नाम है जी, गाँव जाजनपुर है जी। इसने जी यू मैं तो देखूँ जी, मैं तो रोज आऊँ जी, डेली आऊँ रहा। ये बच्चा बहुत मतलब इतने बढ़िया काम करा, वाली भी उस पर को खेला करा जी, खांद पको कई बार देखूँ जी, मैं तो इसने डेली देखूँ जी, मैं तो तड़क सवेर ही शाम रोज देखता हूँ इसको, देश मैं तो रोशन था इससे भी पूरा और करागा जी। हाल तो छोटे से बच्चा जी, और इस तरह हाँ जी सारा काम में खुशी है जी, इस बात की बहुत बढ़िया जी साहब, ऐसे पोता मेरा जो। तो क्या जो है आप करें जो है? हाँ जी, मदद करनी चाहिए जी, सरकार ने भी करनी चाहिए, पब्लिक ने भी करनी चाहिए। जो इस तरह का बच्चा तो मिलते नहीं है कड़ी, जितने इसने बढ़िया काम कर रहा जी, खेल रहा। अरे इसका भी धन्यवाद है जो इसने कह रहा जी कोच साहब, इसकी भी इसकी तो जमीन शाबाशी है जी, इतने बच्चे आवे जी, मतलब आवारा फिरते ज्यादा ये पूरा बच्चे सारे पूरी आवे गण करे दो जी।
नहीं पाला, फिर जाते छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बहुत जमी ऐडे काटे के बच्चे भी उड़ा खेलना है जी, दूर दूर के गुआंड के भी आवे जी। तो क्या बच्चे? हाँ जी होगा, क्यों नहीं, जिसका पोर्क होएगा जी, बढ़िया। सारे गांव का, जाजनपुर का तो सारे का, असल में हरियाणा का भी नाम ऊपर होगा जी, कैथल जिला का भी होगा जी ना, खेलने का सारा करे जी, खेल का भी दले घर का भी ले सारा करे जी, खेल में बहुत सारा है, जो उनका गुरु खिलाया हुआ नहीं सही खिलाया हुआ जी, बहुत मेहनत कर रहे हो जी, तो बहुत खुशी हो रही है जी माने। और तो क्या भगवान से प्रार्थना करते हो? हाँ करते हैं जी। क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं? ये करते हैं, हमारा बच्चा अच्छा हो, गांव में रोशन हो, गुरु खिलाया हो, उसका भी नाम हो जी, हम यही कहते हैं।